छठ पर्व पर मंडी में व्यापारियों और नागरिकों को भीड़ को देखते हुए मंडी परिसर में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसके तहत मंडी में आने वाले सभी लोगों को कोरोना जांच करवाना होगा, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। जिसके संबंध में महवा मंडी के सचिव सेवाराम वर्मा ने बताया कि छठ पर्व पर मंडी में मेला सा दृश्य हो जाता है, खरीदारी करने वाले लोगों की काफी भीड़ होती है, जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसको देखते हुए मंडी समिति के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से कोरोना जांच शिविर लगवाया गया है। उन्होंने बताया कि जांच शिविर 18 और 19 नवंबर को भी मंडी समिति के परिसर में लगाया जाएगा और कोई भी व्यक्ति 10 बजे से शाम 4 बजे तक जांच शिविर पर पहुंचकर अपना निशुल्क कोरोना जांच करवा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महवा मंडी के सचिव सेवा राम वर्मा ने कहा, श्री राम गपशप या पार्टी घर पर खाना मंगा रहे हैं तो डिलीवरी मैन को खाने का सामान अपने दरवाजे पर ही रखने के लिए कहते हैं। गैर जरूरी यात्रा पर किसी अन्य व्यक्ति से कम 3 फीट बनाए रखे जाने से पहले 14 दिनों के लिए स्वयं को घर में एकांत वास में रखना गया है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि कुछ लक्षण और जब वो करीब करेंगे बिना एक दूसरे के साथ इसलिए सामाजिक दूरी बनाने से इसकी डिटेक्शन की एवं कॉलेज को बंद करके कार्यक्रमों को स्थगित करके और अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की प्रथा का उपयोग करे बजाय टेलीफोन या वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे करके न हो। यदि घर पर खाना मंगा रहे हैं तो डिलीवरी मैन को खाने का सेवाराम वर्मा मंडी सचिव गोरखपुर। ये हमारे मंडी में इसमें छठ का मेला चल रहा है जिससे कि पब्लिक की काफ़ी भीड़ हो रही है, इससे कोरोना का काफ़ी आना जाना लोगों का है, तो इसलिए कोरोना के बचाव के लिए यहाँ पर कैंप लगवा दिया गया है कि जिससे कि जांच भी होती रहे और जैसे कोरोना संक्रमण के फैलने को होने का खतरा कम से कम लोगों में रहे। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से ये कैंप लगाया गया है मंडी आर्ट का मंडी में जो है हमारे कार्यालय के ठीक सामने। अब कोई भी आदमी यहाँ पर अपना निःशुल्क जांच करवा सकता है और लोग करवा भी रहे हैं। जांच शिविर कब तक चल रहा है? जांच शिविर आज आज से शुरू हुआ है, आज सुबह लगभग 11 बजे टीम आ गई है, आज चलेगा लगभग 3-4 बजे तक आज चलेगा और कल भी ये टीम यहाँ पर रहेगी, परसों भी रहेगी। सर कोई अपील लोगों से? लोग अपील ये है कि अपना अब जिनको तनिक भी कोई शंका हो, खांसी जुखाम या किसी हल्का सा भी कोई लक्षण दिख रहा हो वो ज़रूर करवा लें और उसे आम आदमी भी अपनी जांच यहाँ पर करवा सकता है। दूसरी अपील ये है कि यहाँ पर मंडी में दूरी बनाकर चलें और संक्रमण ना हो इसका ध्यान रखें।